गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और आज है मंडे और मैं मणि का ब्रेकफास्ट, बच्चों का दूध, सारा चीज हो गया है। और आज मैं बनाऊंगी घी, क्योंकि मेरा मक्खन भी बहुत सारा स्टॉक हो गया है। अब मैं इससे घी निकालूंगी, तो ये प्रोसेस मैं आपको साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर देखते हैं कैसे मैं घी निकालती हूँ। मैं ये जूसर में ही घी निकालूंगी। चलिए ये मक्खन को मैं ये जूसर के अंदर डाल दूंगी। फिर अब मैं इसमें ये आइस क्यूब डालूंगी। और थोड़ा पानी डालूंगी। अब स्लो एंड फास्ट कर करके मैं अब ये मक्खन को घुमाऊंगी। थोड़ा बंद करूंगी फिर चलाऊंगी। और थोड़ा आइस क्यूब डाल दूंगी मैं इसके अंदर। बस हो गया मक्खन हमारा। मक्खन और पानी अलग हो गया है। अब मैं निकल के दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरा मक्खन ऊपर आ गया है। अब हम हाथ से अच्छे से निकल के कढ़ाई में डाल के घी बनाएंगे। दिखाती हूँ मैं प्रोसेस आपको। अब हमारा मक्खन बन गया है। अब मैं इसको हाथ से निकालूंगी पूरा। पूरे लड्डू की तरह गोल गोल बना देंगे। पूरा पानी को अच्छे से निचोड़ना है। बस अब इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। ये कढ़ाई में ही मैं बनाऊंगी घी, इसलिए इसमें डायरेक्ट रखूंगी। सारे मक्खन को सेम प्रोसेस में हम ऐसे ही लड्डू बना के उसके अंदर रख देंगे, ताकि पूरा पानी ऐसे करने से पूरा पानी निचोड़ जाएगा ये मक्खन से। ये रहा मक्खन। अब मैं इससे बनाऊंगी घी। इसको हम अभी गैस पे रखेंगे, हाई फ्लेम में हम इसको गर्म करेंगे।
बीच बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे। अब हमारा मक्खन ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अब थोड़ी देर में बन जाएगा हमारा घी। जब मक्खन निकलेंगे तब हम उसका पानी अच्छा से ड्रेन कर देंगे तो ज्यादा वेस्टेज नहीं निकलता। हो गया हमारा घी, अब इसको गैस को मैं बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी। अब ये घी पूरा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको एक टिफिन बॉक्स में निकाल दूंगी। बन के रेडी हो गया हमारा देसी घी, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और पूरा ओरिजिनल जो स्मेल है इससे वो कोई भी बाजार का घी में नहीं है। और ये खास करके बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, पूरा हाइजेनिक है और कुछ भी मिलावट नहीं, पूरा घर का शुद्ध देसी घी। अब मैं इसको रख दूंगी, जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल दूंगी। अब मैं लंच बनाने के लिए प्रिपरेशन करूंगी। आज मैं बनाऊंगी एक फेमस डिश, वो है कांजी। कांजी रेसिपी का मतलब जो राइस होता है वो ब्रोकन राइस को भी आप यूज कर सकते हो, पर मैं अभी ब्रोकन राइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं कल रात को जो राइस बच गया था थोड़ा और राइस है मेरे पास उससे मैं ये कांजी बनाऊंगी और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली ये समर में हमारा उड़ीसा में घर घर में ये कांजी बनता है, मतलब ये एक उड़ीसा का बोलते हैं ना मोस्ट फेमस डिश है, वो रेसिपी मैं आपके लिए आज शेयर करूंगी। और आज थोड़ा धूप भी आया है तो थोड़ा खाने में अच्छा भी लगेगा। जो जो कांजी में डालूंगी मैं वो रहा रेडिश, मूली, पंपकिन, टमाटर खूब सारा चाहिए उसमें, ज्यादातर टमाटर चाहिए क्योंकि खट्टापन हम टमाटर से ही डालेंगे। नींबू भी डाल सकते हैं पर मैं नींबू नहीं डालूंगी इसमें, नींबू डालती तो थोड़ा उसका नींबू का स्मेल आता है वो मुझे पसंद नहीं है। आपको एक्स्ट्रा खट्टा चाहिए तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और ये भिंडी, भिंडी चाहिए इसको अब मैं लास्ट में डालूंगी भिंडी को, दिखाती हूँ। अब सब्जी को मैं कट कर दूंगी। कितना डालूंगी मैं, और ये पंपकिन सिरका के साथ डालेंगे अच्छा लगेगा। ऐसे बड़ा बड़ा करके कट करना है। जो मूली का जो फ्लेवर है वो कांजी में बहुत अच्छा लगता है, मूली और भिंडी ये दोनों अब मस्त डालिए कांजी में। हाँ सब्जी हम बड़ा बड़ा ही कट करेंगे, भिंडी को भी मैं सारा सब्जी को अच्छे से धो लिया था, अब मैं भिंडी को भी बड़ा बड़ा चॉपिंग कर लूंगी। इतना बड़ा बड़ा रखेंगे, दो दो पीस बस कर लेंगे। अब मैं ये टमाटर को बड़ा बड़ा करके चॉप कर दूंगी। ऐसा कट करना है बस। अब चॉपिंग हो गया, थोड़ा मैं इसको क्लीन करके बिठाऊंगी हमारा कांजी। और ये है राइस, और राइस को मैंने इससे थोड़ा सा मसल दिया है ताकि जब मैं कांजी बनाऊंगी तब इसका कंसिस्टेंसी अच्छा है, थोड़ा थिक बने राइस, राइस सब्जी और वाटर सारा चीज मिलके अच्छे से बने।
सारा चीज मैं प्रिपरेशन कर दूंगी, क्योंकि हमें तड़का लगाने के लिए ये लहसुन भी चाहिए, तो इसका मैं छिलका निकाल रही हूँ। क्या बना रही हो? और देखो कौन आ गया, सेम टाइम में आए हैं। आओ आइए तो किचन में, या अभी छिलका निकाल दो ना प्लीज, मैं ये जले जले बना लेती हूँ। और कांजी बनाने के लिए जो चाहिए वो है पहले चावल, और ये कटा हुआ सब्जी, इसमें मूली भिंडी पम्पकिन और टमाटर है। फिर तड़का लगाने के लिए चाहिए हमें पंचफोड़न और ये लाल मिर्च और ये कुटा हुआ लहसुन और ये करी पत्ता। और ये कांजी को मैं हांडी में बनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं कांजी का प्रोसेस। और आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये पूरा खाऊंगी, वो एक बात तेरे बिल, हाँ खा लो। फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी बड़ा सा हांडी में बनाऊंगी, अभी पानी दे दी और ये राइस डाल दूंगी, और थोड़ा डालने से पहले थोड़े से मसाले डाल दूंगी। और अभी इसमें पानी दूंगी, मैं यहां तक पानी दे दूंगी। अब इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी, नमक और हल्दी डाल के इसे मैं मिला दूंगी। जब तक ये पूरा अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी, फिर मैं सब्जी डालूंगी एक एक करके। और यहाँ पे मैं पटाटो को बॉईल करने के लिए बिठाई, उसके साथ वो पटाटो को गोल गोल काट के जो हम फ्राई करते हैं वो कांजी के साथ बहुत अच्छा लगता है, वही बॉईल हो जाएगा। अब अच्छे से राइस बॉईल हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, सारा भेजी डाल देंगे, बस भिंडी को लास्ट में डालूंगी, और ये कद्दू पम्पकिन मूली। थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे, जब तक ये सब्जी अच्छे से पक जाएगा तब तक हम पकाएंगे इसको, और ये जो राइस पानी पूरा गाढ़ा भी हो जाएगा, पूरा अच्छे से हम पकाएंगे। अभी टमाटर को मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मसल दूंगी, अब मैं इसमें ये भिंडी डाल दूंगी, और 5 मिनट में बन जाएगा हमारा कांजी।
कांजी हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं ये कांजी का तड़का लगाऊंगी। अब इसके अंदर में पूरा कांजी को डाल दूंगी। तुरंत मैं ढक दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये तड़का वाला कांजी ये हांडी में डालूंगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसको सर्व करूंगी। और ये रेडी हो गया हमारा कांजी। हो गया? हाँ हो गया। और बहुत बेसब्री से ये इंतजार करके बैठे थे कांजी खाने के लिए। और मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि कांजी बनाओ कांजी बनाओ। फाइनली आज मैं बना लिया कांजी। और आज खाओगे तुम कांजी भात। कांजी गरम भात। ये समर हॉट हॉट व्हाइट राइस एंड कांजी। कांजी और मेरी वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। और ये देखो कैसे घूर रहे हैं कांजी को। ऐसे लग रहा है कि जन्म जन्म से खाए नहीं। मैं जैसे देखा क्या ऐसे ही बैठे हैं। अभी जैसे मैं कैमरा बंद करूंगी ये अटैक करेंगे कांजी के ऊपर। बस वेट करके बेटा झपट के लेंगे लेकर जाएंगे कांजी को। चलिए फ्रेंड फिर मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। पूरा वेट करके बैठे थे लेकर के। Send them all.